मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। जलदाय विभाग में करोड़ों के गबन का मामला सामने आया। उपार्जित अवकाश और वेतन में 1.39 करोड़ रुपए का गबन किया गया। मृतकों के नाम से 300 दिन का उपार्जित अवकाश और वेतन का भुगतान एसीबी ने जांच के बाद केस दर्ज किया है। विभाग के 24 अफसर कर्मचारियों समेत प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साल 2007 से साल 2017 के दौरान वेतन किया गया, एरियर और उपार्जित अवकाश का अनियमित भुगतान अफसरों की मिलीभगत से मृतकों के नाम से भुगतान किया गया। अनियमित भुगतान को प्राइवेट लोगों के बैंक खातों में जमा कराया। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय जवाहर नगर जयपुर का यह मामला है। 3 साल तक एक परिवार की जांच करने के बाद एसीबी का एक्शन। 6 जून 2018 पोर्टल पर उल्लास जैन ने शिकायत की थी। शिकायत की जांच एसीबी को सौंपी गई थी। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अपडेट देने के लिए। ओम प्रकाश, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, कोई एक्शन लिया जा रहा है? जी देखिए, जलदाय विभाग का मामला है जो जवाहर नगर स्थित सहायक अभियंता कार्यालय है, वहाँ पर जो कर्मचारी थे जिनमें फीडर है, फीडर निरीक्षक है, पंप चालक थे, रिटायर्ड पंप चालक, रिटायर्ड अधिकारी थे, वो मृतक थे, उन कर्मचारियों के नाम से जो वहाँ पर तत्कालीन संस्थापक लिपिक है ज्ञान चंद मीणा और जो सहायक अभियंता थे विजय पारिक, नरेंद्र कुमार, रजनीश बेरवा, इन अधिकारियों ने मिलीभगत करके 1.39 करोड़ रुपए की राशि का अनियमित रूप से वेतन के नाम से भुगतान कर दिया। जैसे कि एसीबी ने को 2018 में एक परिवार मिला था, उस परिवार की शिकायत की जांच की एसीबी ने, तो जांच में माना है कि आरोपियों ने 97 जैसे उपार्जित अवकाश है और 300 दिन के अवकाश के पीएल का भुगतान कर दिया। जैसे एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा मृतक कर्मचारी थे, उनके कई साल हो गए थे, उनकी मौत हुई है और उनके नाम से भी अफसरों ने मिलीभगत करके जो प्राइवेट व्यक्ति है राजमणा उसके बैंक खाते में लाखों रुपए जमा करवा दिए। इसी प्रकार रिटायर्ड अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारियों के नाम से भी वेतन का भुगतान किया गया अनियमित रूप से। इस मामले में एसीबी ने अब 24 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमे की जांच के बाद में कार्यवाही करने की तैयारी कर ली। ओम प्रकाश, करोड़ों का चूना इन अधिकारियों ने लगाया है सरकार को। ओम प्रकाश, ऐसा खुलासा किस तरीके से हुआ, थोड़ा विस्तार से जानकारी दें इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए इसमें एसीबी को जब शिकायत मिली थी राजस्थान संपर्क पोर्टल के जरिए, तो एसीबी ने के उच्च अधिकारियों ने इस मामले की जांच एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को दी थी। उस एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी ने 2007 से 2017 के दौरान जो सहायक अभियंता कार्यालय में वेतन का भुगतान किया गया था और उपार्जित अवकाश का भुगतान किया गया था, उन बिलों की प्रतियां ली गई और उन बिलों की प्रतियों की जांच पड़ताल की। उसमें सामने आया कि जैसे सहायक कर्मचारी था डूंगर सिंह मीणा, जो उसके उपार्जित अवकाश थे 120, लेकिन अफसरों ने 300 दिन के उपार्जित अवकाश का भुगतान दूसरे कर्मचारी रमेश मीणा के बैंक खाते में जमा करा दिया। इसी प्रकार एक सेवाराम था जिसका 0 उपार्जित अवकाश था, लेकिन अफसरों ने जो दूसरा सहायक कर्मचारी था रमेश मीणा उसी के बैंक खाते में डाल दिया। मीटर निरीक्षक सत्यनारायण विजय था, रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन अफसरों ने उसको उसके नाम से भी वेतन जारी कर दिया। इसी प्रकार जो कर्मचारी अनुपस्थित थे और जो कर्मचारी जिनकी मौत हो चुकी थी उनके आश्रितों को वेतन का भुगतान कई महीनों से कर रहे थे, तो इसकी एक शिकायत हुई थी। शिकायत की जांच के बाद में एसीबी ने उन बिलों की जांच की, तो ये तथ्य सामने आए। उसके बाद में एसीबी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन नजर बने रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।